भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश एक आकर्षक प्रकृति की गोद में बसा हुआ राज्य है। इसके 25 जिलों में से लोअर दिबांग वैली एक खूबसूरत जिला है। इस जिले में ईदू और आदि दो बड़ी जनजातियां रहती हैं। सालों साल एक साथ रहकर प्रेम और भाईचारा का जो संदेश देती है वो काफी प्रशंसनीय है। लोग एक दूसरे के सुख दुख पर्व त्योहार में एक साथ शामिल होकर एक मजबूत समाज का मिसाल बनते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक लोग इस मधुर रिश्ते को कभी कभी कमजोर कर देते हैं। जातीय हिंसा भड़काकर सामाजिक एकता एवं भाईचारे को तार तार कर देते हैं, जिनका सजा दोनों जनजातियों के निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। आदि समाज के दो शिक्षक तायंग और दामिन अपने परिवार सहित कई सालों से ईदू खेचा गांव में रह रहे हैं और अपनी शिक्षक होने की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहे हैं। अरे उन्यू पापा, पापा आ गया। आज इतना देर? स्कूल में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज। अरे दामन साहब। अरे पुलु सर, ठीक है ना? ठीक है, आप सब भी ठीक है ना? हाँ सब सर बैठिए ना। आप भी ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। अरे तायंग सर। अरे पुलु सर, आप भी यहाँ पर? हाँ जी ठीक है ना? हाँ ठीक है। पुलु सर देखिए ना, हमारा रूम तो इतना कंजस्टेड है, देखिए बैठने का जगह भी नहीं है। चलिए बाहर चलते हैं। चलिए। अच्छा पुलु सर, आपका यहाँ में आने का कुछ कारण था? ऐसा कोई खास काम तो नहीं है, ऐसे आप लोगों को मिलने के लिए आया। ओ तब तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा पुलु सर, आपका ये कैसा विलेज तो बहुत अच्छा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी, यहाँ का रहन सहन भी हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पुलु सर हम बोलते रहता है इसको, हम लोग अपना आदि बस्ती से इतना दूर बैठता है, फिर भी हम लोग को लगता ही नहीं कि हम लोग अपना बस्ती से इतना दूर है। बहुत अच्छा बस्ती है आपका। ये तो आप लोग का बड़प्पन है, अच्छा सोच है। यहाँ में कोई ईद लड़का आप लोग को डिस्टर्ब करते नहीं करता है? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन बस्ती में एक लड़का पीपा के कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन वो तो चलते रहता है, कोई बात नहीं है। वो तो कोई बनमास लड़का तो आपका ईद में भी होता है, हम लोग का आदि में भी होता है, हम लोग के बस्ती में भी ऐसा करने वाला तो मिलता ही है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो इतना दूर से आया है ना, अब इसे कोई ऐसा करने वाला मिलने से हमको बताइए ना। वैसे पुलिस सर हमको सिर्फ एक बात का डर रहता है। क्या चीज़ का डर? जब हम यहाँ में इतना दूर आपका जगह में बैठ रहा है, बाय चांस भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन वहाँ में कुछ कम्युनल प्रॉब्लम निकल गया तो हम लोग का क्या होगा, इसी बात का हमको थोड़ा सा डर है। इसमें आपको कोई डरने का जरूरत नहीं है, आपको ऐसा है तो हमारा घर में आइए। मेरा घर में कोई आपको मारने पीटने आएगा तो उसको हमारा लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। पुलु सर का ये बात सुन के तो हमको एकदम एक सिक्योर फीलिंग होने लगा है अभी तो। क्या तुम इंग्लिश भाषा जानता है? अरे जानता है तुम, अच्छा से जानता है ना? हाँ जानता है। सुनाओ तो। तब तो तिनबो वो सर आ रहा है, उससे बात कीजिए तो आप। हाँ हाँ उनसे बात करके देखो, इसको अभी हम टाइम पूछेगा, तुम कुछ जवाब सुनो। हाँ सर, सर हाउ इज तमिल? अरे हाउ इज तमिल? अरे हाउ इज तमिल? आप क्या बोल रहा है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा इंग्लिश ठीक नहीं है क्या सर, नहीं समझ रहे? अरे कैसे ठीक नहीं होगा, ये सारी समझ में नहीं आ रहा है ना। आप क्या बोल रहे हैं, मेरा समझ में नहीं आ रहा है ना। तुमको क्या समझ में नहीं आता है, तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? बच्चों को तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन आपका बात समझ में नहीं आता है। लेकिन छोड़िए इन सब बातों को, मैं चलता हूँ ठीक है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होगा, इधर आओ तो, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। मेरा इंग्लिश तुमको समझ में कैसे नहीं आते? होगा आपका इंग्लिश समझ में आ गया, बाद में मिलेंगे होगा। ऐसा रुकिए। अरे ऐसा आप लोग क्यों करते हैं, मैं तो कम से कम आपका पिताजी का उम्र का हूँ, उम्र का भी तो लिहाज करना चाहिए ना। हट, ऐसा कैसे होगा, तुम हमारे बस्ती का लड़का लोग को बर्बाद कर रहे हैं। अरे आपके बस्ती के बच्चों को मैं कैसे बर्बाद करता हूँ बताओ तो। ए, अरे ऐसा तुम क्यों कर रहे हैं? चलो बिहारी,
फिर से बोलो तो। मैं कोई खराब बात बोला है क्या? फिर से बोलो तो। मैं कोई खराब बात नहीं बोला है ना। साला ओए ओए तुम दोनों रुको। प्यारी तुम क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे? फिर से बोलो तो। क्या हो गया? फिर से बोलो तो। छोड़ दो छोड़ दो, चोरो चोरो चोरो, क्या हो गया? क्यों ऐसा कर रहे है? चोरो ये प्यारी क्या बात कर रहे मालूम है? क्या बात किया है? साला इसको हम इंग्लिश में टाइम पूछा था ना। ओ आप टाइम पूछ रहा था? टाइम ही तो पूछा था और क्या। आप किस तरह से टाइम पूछा था? अरे हम तो हाउ इज टाइम यही तो पूछा था ना। मेरा इंग्लिश तो ठीक है ना भैया? हाँ 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 ठीक है ठीक, फिर भी हो जाएगा। इसका इंग्लिश तो ठीक है ना सर? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। ए सर ऐसा नहीं होगा। ए सर मत करो, हो जाएगा सर। भैया अगर आप नहीं होता तो ये बिहारी को हम ठीक से पिटाई देना था। हो जाएगा भाई, ऐसा बात मत करो। लेकिन ये बिहारी बहुत दादागिरी मारता है। ये बिहारी को लेकिन हम नहीं चलेगा। हो गया अभी। हेलो पियो। अरे तोरा तो पियो। ये लास्ट था, लास्ट दोस्त। ओके 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 हो गया। अरे अरे उधर देखो लड़की आ रहा है। अरे कहाँ में? आओ आओ आओ, इसलिए तो हम मत जाओ बोला। चलो इस तरफ से जाएगा। जरा मुड़ के तो देखो। आई स्वीटी, मैंने प्यार ही तुम्हें से किया है, मैंने दिल ही तुम्हें को है। पीछे मत देखो, इन लोगों का काम ही क्या है? क्या करने के लिए कॉलेज में आते हैं? क्या करती है लोग? माँ पापा लोग पढ़ाई करने के लिए पैसे देते हैं। पीछे मत देखो, चलो पानी में जाएगा। सुंदरी लोग के पास जाते हैं, चलो लड़की के पास जाएगा। वाओ वो 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 वाला तो बहुत जी सर जी ले रहा है जी। चलो दोस्त लोग और एक गाना हो जाए। चलो चलो जानू मेरी जान, मैं तेरा कुर्बान। जानू मेरी जान, मैं तेरा कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। चलो जाएगा, इन लोग ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। ए बोरिंग, इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो जाएगा, जब ये लोग नहीं होगा ना तब फिर आने से ठीक है। ए कॉलेज में कैसे कैसे लड़का लोग हैं। अरे इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा रुक जाओ। तुम मेरा है रे। अरे कहाँ जा रहा है? थोड़ा इधर तो आइए, थोड़ा इधर तो, जरा इधर भी देखिए यार। अरे रुको ना यार, गलत तो जरा। अरे इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा रुक जाओ। व्हाइट ड्रेस वाली कहाँ जा रहे हो? लड़की लोग चला गया था, हम लोग क्या करें? चल चल पेट्रोल चला गया। ये लो हट। कोई लड़की का प्रोग्राम है तो बोलो। हट नहीं है, नहीं है। क्या लड़की लड़की हल्का जाएगा अभी। आओ पीछे में तक चला जाएगा अभी। होगा लेंगे सर, रुक जाओ जाओ जाओ। दोस्त अभी क्या करेगा? बियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिलाएगा हम ऐसा? कहाँ पिएगा? पर ऊपर वाला दुकान। चलो ये दुकान में क्या मिलते देखते हैं। भैया भैया। अरे कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? भैया उठ। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं देख रहे कि हम लोग सो रहे हैं। क्या चाहिए आप लोग को? क्या क्या चाहिए? कहाँ है मेरा बियर? पहले कौन ऑर्डर किया था बोलो। अरे और लेकर आओ, ये लीजिए। ले लो जी। फ्रॉम माय साइड। तुम लोग अपने आप को क्या समझते हैं? क्या हम लोग पीने वाला है दिखते हैं? वाह क्या बोला है यार। लल्लू तो पीते है आजकल, वरुण तो पी रहा था नदी में। ऊपर से प्यार से दे रहे, प्यार से दिया हो जिसको कभी ना नहीं बोलने। लो नहीं तो बुरा मान जाएगा। ये लो, लो ना। तो बहुत पीगा पीगा लग रहा है। थोड़ा भी शर्म नहीं है लड़का लोग, कहाँ से आ जाते हैं? अरे यार रुको ना यार। चलो कहीं दूसरे दुकान में जाएगा। अरे यार लड़की लोग जा रहा है, रुका ना यार। तुम रुकाओ ना, रुकाओ ना, रुकाओ ना बोलते है। मेरे कस्टमर को आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? सब कुछ चलता है आजकल, सब लोग पीता ही है। भैया आपको नहीं पता है आजकल लड़की लोग भी पीता है यार, कॉमन है यार।
अरे हमको सुना तुमको राजू बहुत पसंद करता बोले। हे ऐसा कोई बात नहीं, चलो। वैसे तुम लोग तेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? उधर देखो लड़की, उधर सुंदर है। कुछ काम धाम नहीं है यहाँ, बैठ के सब लड़की लोग को छेड़ते रहेगा। जाके अपना काम करना है ना, यहाँ ऐसे बैठ के क्या करते रहते? चलो चलो जिमिया। तुमको हम वार्निंग दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा करेगा ना तेरा हाथ पास सब तोड़ के रख देगा। हाँ सुन रहे ना? चलो चलो। तुम कुछ किया भी नहीं, तुमको तपर मारा है, सबके सामने बेइज्जती किया है, गाली मारा है, तुम कुछ किया भी नहीं, नो रिस्पॉन्स नो रिएक्शन, ऐसा क्यों? वो लड़कों को हम थोड़ा भी देखने मन नहीं है जिमिया। हो जाएगा, हम और कुछ नहीं सुनेगा। कितना दिन से हम देख रहे हैं उसको, खुद को क्या समझते वो? जहाँ तहाँ बैठ के लड़की लोगों को छेड़ते रहेगा, इतना दिन से हम उसको थप्पड़ मारने मन था, आज मार जिमिया। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सली तुमको मालूम है ना उस दिन भी वो कैसे वहाँ पे नदी में हम लोगों को कैसे छेड़ रहा था, और उस दिन दुकान में वो कैसे दारू पी के हम लोगों को हम जबरदस्ती दारू पिला रहा था ना। बहुत गुस्सा लग रहा है हमको, थोड़ा भी देखने मन नहीं वो लड़का को। ऐसे टाइप का लड़का लोग को हम जानते हैं, और उन लोगों को कैसे पता करने वो भी हम जानते हैं। क्या तुम क्यों वो लड़का को थप्पड़ दे दे? क्यों नहीं मारेगा हम उसको थप्पड़? तुमने देखे वो हमको क्या किया जिमिया? वो हम किया था वो है। झूट मत बोलो, तुम क्यों लड़का को बचा रहे? हाँ वो रोजी किया था। हाँ वो तो रोजी किया था। वो लड़का को बेकार भी मार दिया वो। हमको बिलीव नहीं हो रहे, हम उसको थप्पड़ भी मारे, गाली भी, इतना गाली भी दिए, तो वो कैसे चुपचाप? वो कुछ किए नहीं तो कैसे इतना चुपचाप सुनेगा? उसको तो पता ही नहीं था ना, पर तेरे गलती है। हाँ जिमिया तुम आज बहुत गलती किया। तुम तो कहा हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुमको बोलने के लिए हम इतना ट्राई किया लेकिन बोलने का मौका भी नहीं दिया ना। हाँ हाय जिमिया। हाय, क्या हो गया? आया नहीं अभी तक। आएगा होगा, आने से बात कर लो अच्छा से। ओ जिमिया वहाँ पे आ रहे तो? अरे काका तपर दोस्त, मैं दिल में लगा रहे। ऐसा मत बोलो। चेबिंग कल की लड़की उधर। हत्तरे चल चल। जेबिंग चलते रहो। अभी तो गल बचाना पड़ेगा दोनों, नहीं तो फिर तपर मारने से तो गया। अच्छा से बात करो। हाँ ठीक है। जेबिंग जेबिंग थोड़ा सुनो ना। है तो हम पीछे मुड़े हैं रे। थोड़ा सुनो ना जेबिंग प्लीज। पीछे मत देखो। है देखो ना यार, आप यार से बुला रहा है यार, एक बार तो बोलो ना। कहीं वो फिर से तुम तपर तो नहीं मारेगा? जा एनीवे बेस्ट ऑफ लक। जेबिंग कल हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, प्लीज हमको माफ कर दो। बाद में हमको पता चला कि तुम कुछ भी नहीं किया, इसलिए इतना गिल्ट फील होकर हम कल रात भर नहीं सो पाया। जेबिंग जेबिंग ए जेबिंग। होय हाँ क्या? जेबिंग मैं कुछ बोल रही हूँ। हाँ क्या बोला? मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। हाँ कुछ नहीं ना, वो होता है, चिंता मत करो ठीक है। सच में माफ कर दिया? हाँ सच में माफ कर दिया, ज्यादा मत सोचो ठीक है। ओ थैंक यू, हम तो कल रात से वही सोच के पागल हो गया था कि कैसे माफी मांगेगा आपसे, आपको हम इतना जोर से मार दिया। हो जाएगा कुछ भी नहीं, इतना बड़ा बात भी तो नहीं है वो। आप इतना समय से माफ कर दिया? हाँ कुछ भी तो नहीं है। थैंक यू, अगर हो गया तो वॉक करेगा? हाँ ठीक है, अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल शांत हो गया। हमको भी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। सॉरी तो हमको मांगना था वो दिन पीपा के, तुमको क्या क्या बोल दिया हम, पर हाउस में नहीं था ना। हाँ उस दिन आप ही ज्यादा पी लिया था। अब इसे पी गए नहीं हम। अरे वाह सच्ची? तब तो ठीक है, बाय बाय। थोड़ा सा रुको ना, कल तो फ्री होगा ना? हाँ नंबर देगा होगा। हाँ लिख लीजिए 8787936254। हो गया ना? कॉल करेगा हम। होगा और सबको कॉपी हम पिलाएगा। ठीक है बाय। ठीक है बाय। देखो
सी हवा चली ओ चली लाई आई है कुछ कहानी कैसे गिरा दे दे जाने ये कैसे कैसे जुड़े खोया खोया मॉर्निंग मॉर्निंग सर एक रुमाल मिला है जाने लगे कुछ तुमको कभी मिला है सर रुमाल दिखने लगे क्या हो गया उतरो ये कैसी हवा चली चली लाई मेनलेस बॉय कपड़ा क्यों ऐसे पहनता है और ये तुम्हारा बाल बाल को क्यों मुर्गा जैसे पहनता है जाने ये कैसे कैसे क्या नया जमाना शनिवार बाजार में जाके काट हां जीविंग हां वो नोट Democratic socialism. You get up. Get out. Sorry, we're not there. Get out. College में पढ़ने के लिए आता है या romance करने के लिए आता है? Idiot. क्यों disturb करते class में? रब को भी ये मंजूर था ये दिल का मिलना दिल के सागर में चली चली लाई लाई है कुछ कहानी जाने ये कैसे कैसे जुड़े खोया खोया है इन राहों में फूलों की तरह खुशबू खिल गए एक बेरंग जिंदगी में खुशियां भर गए महकी फूलों की तरह खुशबू खिल गए जिंदगी रहे न रहे यादों में रह गए रास्ते सब मिल गए मंजिल मिली सुनी सुनी आसमां में बाहर कैसी हवा चली चली लाई लाई है कुछ कहानी जाने ये कैसे कैसे जुड़े खोया खोया है इन राहों में छाने लगे कुछ खुशियों के बादल दिखने लगे कैसी हवा चली चली लाई लाई है कुछ कहानी
मेरा पेपर हो तो ये ना क्वेश्चन मेरा बहुत खराब गया रे। कौन सा ये? हाँ तुम लोग एग्जाम कैसे गया? मैंने तो आज का खराब हो गया, तुम लोग कैसा हो गया? ये वाला क्वेश्चन में थोड़े डाउट लग रहे हैं। कौन सा वाला? ये क्वेश्चन नंबर 5 बट बाकी सब किया ना। जो भी हो एग्जाम खत्म हो गया ना। खत्म हो गया, आज तो पूर्ति चलो चलते हैं। हाँ चलो चल जिमियो। कुछ काम था? हाँ बोलो। आज तो फ्री होगा? हाँ हाँ तब तो शाम को लेने के लिए आएगा। कितना बजे? अच्छा 4 बजे आएगा। होगा ठीक है। जिमिया हे जगह बहुत सुंदर लग रहा है ना। हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा है ना? जी भी हमको लेकिन बहुत डर लग रहा है। क्यों? मैं ईदू तुम आदि क्या सोसाइटी हम दोनों को एक्सेप्ट करेगा? क्यों ईदू और आदि में शादी नहीं हो सकता? हो तो सकते लेकिन डर लग रहा है। पहली बात अच्छा से सुन लो, प्यार में हम रंग रूप नहीं देखता है, जात पर नहीं देखता है, और ईद वाली तो हम देखता भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं हम ये बात, कभी सोचेगा भी नहीं। बस तुम मेरा साथ दो। जब तुम हमसे प्यार किया तुमको लगा मादी है? नहीं हमें जिमी से प्यार किया, किसी ईद लड़की से नहीं। तुम हमको प्यार नहीं करता है? करते ना। करता है ना? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बस आगे जो होगा देखा जाएगा। सच्ची? कहाँ से तो वेकेशन शुरू है, आप तो घर जाकर अपने पेरेंट्स को बता देगा। हम भी पापा को बता ही देगा। अरे वाह ये हुई ना बात। 21 21 अरे अरे शैतान क्या कर रहे हो? तुम भी ना इतना कंजूस है। चलो लेट हो गया तो रुको ना, बैठो ना। बस 21 ये तो पानी में जम मार देगा कसम से। बस 21 नहीं बोला ना। एक तो जाना। चलो 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 जाना है। एक बार प्लीज एक एक एक, एक बार। अरे रुको। चलो ना। एक बार तो मांगा है। ए दुख लग गया रे। दोना। दोना। एक बार दोना। नहीं नहीं। प्लीज ना। नहीं। होगा तब तो। अच्छा भैया सुने आपके साथ करसमिका के साथ जमीन का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ प्रॉब्लम तो चल रहा है लेकिन क्यों? अच्छा भैया वो प्रॉब्लम हम लोग को हैंडल करने दो, हम पूरा आदि कम्युनिटी को लेके आएगा ना और उस ईदो आदमी को एक्सेल बुलाएगा ना। भैया आप बस थोड़ा सा खर्चा पानी दे दो हम लोग को। आपका इतना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं आप इतना भी नहीं दे पाएगा? भाई लोग ये मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें पूरा आदि कम्युनिटी हम क्यों लेगा? भैया देखिए कर्जा मेगा जो है ना वो पूरा आदि कम्युनिटी को लेके आएगा, आपको प्रॉब्लम देगा। अगर कर्जा मेगा ऐसा करता है तो वो उसका कमजोरी होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कर्जा मेगा भी ऐसा नहीं करेगा। पर्सनल प्रॉब्लम को पर्सनली ही सॉल्व करना है। ऐसा केस में ईदू हो या आदि हो जब वो पूरा कम्युनिटी को लेके आता है तभी कम्युनल प्रॉब्लम होता है। तो भैया ये केस को हम लोग को हैंडल करने नहीं देगा? होगा भाई लोग ये केस हम खुद हैंडल कर लेगा, आप लोग बुरा मत मानिए। ऐसा हो गया हम लोग का आदि डेवलप नहीं होते। चल नहीं तुम किसी ईदो लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। क्यों पापा? क्योंकि मुझे ईदो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए पापा जी मैं बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। वो अच्छी हो सकती है समझदार हो सकती है
लेकिन मुझे इधर पसंद नहीं। क्यों पापा, क्यों पसंद नहीं इधर आपको? क्योंकि हमारा रीति रिवाज नहीं मिलता है, भाषा नहीं मिलता है, रहन सहन नहीं मिलता है और बहुत कुछ नहीं मिलता है, इसलिए। देखिए पापा, ये रहन सहन, ये रीति रिवाज, ये हमारे ही बना हुआ चीज है, और जब हमारे ही बना हुआ चीज जब हमें तकलीफ देता है तो उसे हमें हटा देना चाहिए। देखो बेटा, ये सब मैंने भी सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश करेगा तो जरूर होगा। देखो जयबिंग, ज्यादा बहस मत करना, जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारा शादी किसी इदिव लड़की के साथ नहीं होगा। क्या तुम मेरा बात सुन रहे कि नहीं? जी पापा सुन रहे। सिर्फ मत सुनो, समझो भी। हम जो भी बोल रहे गलत है क्या? पापा आप क्यों कम्युनिटी में जाते हैं? जयबिंग बहुत अच्छा लड़का है। बेटी तुम अभी दुनिया को कहाँ देखा है? हम लोग को कम्युनिटी में ही जाना पड़ता है। ईद और आदि में क्या प्रॉब्लम होता है तुम उसको नहीं देखा है? इसलिए बेटी तुम उस आदि लड़का को छोड़ दो। अगर चाहेगा तो मैं ईद लड़कों को लाइन लगा देगा। तुम अपना पापा को कमती मत समझो, तुम्हारा पापा कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेटी तुम उस आदि लड़का को छोड़ दो। पापा अगर हम आदि लड़का का साथ शादी करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि तुम अपना कम्युनिटी से बहुत दूर हो जाएंगे। लेकिन हम अभी ज्यादा बात नहीं बोलेगा, जितना समझाना था समझा दिया। अभी से तुम उस आदि लड़का से नहीं मिलेगा, ये मेरा लास्ट वार्निंग है। देखो लड़की जा रहा है। ओए लड़के रुको। कहाँ गया था? मार्केट, इसको लेने गया था। वाह बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वाह। अरे छमिया क्यों ऐसा करता है? क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है आप लोग का? अरे तुम ही तो हम लोग का प्रॉब्लम है। अरे पास तो आओ। चलो छोड़ना मत। चलो क्या कर रहे हैं? मजा आ रहा है। अरे क्या हो गया? देखिए ना भैया, ये लोग हमको क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग आपका साथ में? हम घर जा रहा था, ये लोग हमको रुका के तंग कर रहे हैं। तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? करने से क्या होगा? तुम लोग को शर्म नहीं आता कि ऐसा काम करते हैं? क्या यह तुम्हारा बहन लगता है? मेरा तो नहीं, लेकिन किसी और का बहन हो सकते है ना। तुम्हारा नहीं तो तकलीफ क्यों हो रहा है? अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या कर लेगा ऐसा बात करने से? ठीक है, तुम तीनों को जेल में डलवा दूंगा। जेल कैसे? क्या तुम लोग मुझे जानते है क्या? अभी का अभी पुलिस पहुंच जाएगा यहाँ पे। कौन है ये? तो ओसी लगता है। हमको भी ऐसा लगा है। पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पे फोर्स भेजो, न्यू मार्केट के सामने। ए चलो चलो भागो, चल 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 चल। अरे भैया वो लोग क्यों भाग गया? ये लोग नहीं भागता तो जेल में जाता। हम यहाँ का ओसी है। ओसी अब यहाँ का ओसी है? हाँ। ये लोग वहाँ बदमाश है, ये लोग इडू सोसाइटी को बदनाम करते हैं। वैसे सर आप कहाँ से है? हम भी इडू है। ओ बहन आपका नाम क्या है? जिमिया उम्पो। ओ ठीक है, तुम जा सकते हैं। थैंक यू सर। इट्स ओके। ए तोरा दो तो, मेरा भी खत्म होने वाला है। नहीं है फिर भी लो तोरा सा। ए तुम भी तोरा दो ना यार, अब मेरा खत्म हो गया रे। चला हेट हेट, नहीं है तेरा दे दो। ए चला शांति शांति चलो साला बोट ओ चलो शांति शांति ए हटो। तुम ये क्यों करते हैं? ए चलो चलो ना। आ आ यहां बैठो। ए जाओ ए हां रास्ता में अभी वही रुको, हम पहुंचने वाले अभी। क्यों घूर रहे? अरे ये कौन है? रुको। अरे नहीं सुनता है क्या? वही रुको तुम। अरे थोड़ा सा रुको। अरे क्या क्या था वो? हमको क्यों घूर रहा था? तुमको नहीं घूर रहा था, हम तुम जो शीशा पड़ा उसको देख रहा था हम। ए तुम जा रहा बोल रहे रे, तुम क्या बोल रहे हैं? अरे पीछे बोलो तो करेगा। ए चलो 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 हमको मरेगा। चलो 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 चलो
आओ मर के देखो। तुम भी चला जाओ, जाओ जाओ। क्या है? क्या? ओए तुम कहाँ जा रहे हो? वो चला गया। चलो। ओए कहाँ जा रहा है? चलो 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 चलो। हो गया, वो भी चला गया। चला दर पोक। छोड़ दो, हो गया। चलो यहाँ बैठो, शांति शांति। ओए होगा होगा, ऐसा मत बोलो। चला। चलो पैसा मांगने जाएगा। कहाँ से मांगेगा? यहाँ से आने जाने वाला गाड़ी से रुका रुका के मांगेगा ना। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। चलो क्या लेंगे सर? मेनू लेके आओ। क्या खाएगा दोनों? थोड़ा मेनू दिखाओ तो। लो। क्या ले यार, समझ में नहीं आ रहा हो। इसको लेगा ना, इसको लेगा। तुम दोनों उल्टा देख रहा है। ओ, ओ, ऐसे देखो। अरे उल्टा है क्या? कॉन्फिडेंट तो खतरा है दे। हाँ तब तो इसको लेगा ना। हाँ होगा होगा होगा। हाँ उसी को मंगाओ। ए भाई ये वाला देना। ठीक है सर। हो गया, इतना लेट हो गया। तोरा रुकिए, लेके आ रहा है। आज बढ़िया से चिकन खाएगा। अरे क्या हम लोग चिकन मंगाया क्या? चिकन तो मंगाया है, तो क्या मंगाया? तब तो ठीक है, लेकिन बहुत देर हो गया। अरे इतना देर क्यों लगाता है? पक्का ये लोग मुर्गी धुनने किया। अरे क्या है ये? चिकन जैसे तो नहीं लग रहा है। क्या लेके आया है? सर आप लोग का ऑर्डर लेके आए। हम ये मंगाया था कि हम तो चिकन मंगाया था ना। अरे ये चाइनीज चिकन है क्या? चिकन तो भुजिया बन गया। सर आप लोग ने यही मंगाया था। क्या बात कर रहा है तुम? इसको कौन खाएगा? चिकन लेके आओ। अरे तुम घूर घूर के क्या देख रहा है? चिकन मंगाया था, तुम क्या लेके आए? क्या हो गया सर? चिकन मंगाया तो क्या लेके आए? सर लोग दो ही मंगाया था। ये लड़का तो ज्यादा ही बोल रहे थे। इसको बजाओ। हो जाएगा सर, आप लोग को जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप लोग को चिकन चाहिए? हो जाएगा, मिल जाएगा। आप बैठे सर, जल्दी ले आओ। जिमिया तुम कहाँ गया था? पापा दोस्त को मिलने गया था। तुम दोस्त को मिलने नहीं गया, हमको सब पता है। नहीं पापा, हम दोस्त को ही मिलने गया था। तुम दोस्त को मिलने नहीं गया, तुम उस आदि लड़का से मिलने गया। नहीं पापा। तुम झूठ मत बोलो। तुम उस आदि लड़का से मिलता है कि नहीं मिलता है? सच बोलो, तुम मिलते हैं कि नहीं मिलता है? पापा कभी कभी मिलते हैं। चुप रहो, अभी से तुम उस लड़का से नहीं मिलेगा। अगर तुम उस लड़का से मिलते रहेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। चुप क्यों है बोलो? आपका काम दो तीन दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी एडवांस में कुछ देना होगा। मैं अभी 10,000 दे रहा हूँ, काम होने के बाद 20,000 तुम लोग को दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग निकलते हैं। हाँ ठीक है, काम जल्दी कर देना। आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक। हाँ कितना? अरे रुको रुको रुको, बैक करो। यही लग रहा है। तो मिलते हैं फिर। हाँ ठीक से देखो तो वही लग रहा है। यही है क्या? यही है पक्का? यही है। ए हमको भी दिखाओ। ओ हाँ देखो। हाँ यही है। जाओ बजा के आओ।
उठो चला तुम लोग एक आदमी नहीं मर सकते। करता है हम लोग। हाँ ये लो सुना, लो ये लो और भी लो, नहीं छोड़ेगा। ए रुक, इसे उठाओ। क्या क्या मैंने, मेरा गलती क्या है? तुम्हारा गलती ये है कि तुम एक आदि लड़का है। फालतू बात करता है। इसी हाथ से तुमने मेरा आदमी को मारा है ना? आया क्या तुम लोगों ने कभी बेलचा का सिक्स देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है। दिखाओ। अब देखो। दोस्त आराम से, आराम से। लेटिए आप। थैंक यू दोस्त। कोई बात नहीं, आराम करो। आपका नाम क्या है? इनोना। इनोना उम्पे। ओ उम्पे है ना? हाँ। कितना फर्क है दोस्त तुम में और उन लड़कों में? जाति किसी के अच्छे या बुरे का मोहताज नहीं है। हाँ सही बोला है। क्या हो गया? तुम ईदु का सबसे अच्छा डॉक्टर है, आदि पेशेंट को कभी इलाज मत करो। आप किससे बात कर रहे हैं? ये तो हमारा प्रोफेशन है, हम तो सबको देखना है। गरीब हो या अमीर हो, जात पात से हम लोग का मतलब नहीं होता है। ईदु और आदि जन्म जन्म से एक साथ रहते हुए आए हैं, सब मिलकर रहना है। ए, क्या बात करता है? तुम ईदु का डॉक्टर है, ईदु को ही देखेगा, समझा? तुम लोग क्या बात करता है, तुम लोग के वजह से ईदु कम्युनिटी का बदनाम होता है। जाओ तुम लोग, चला जाओ। कहां कहां से आ जाते हैं? साला पाव खाता है, देख लेगा साला। चलो। बोडोंग ये लो चाय, तुम भी पी लो। अंकल क्या हम अंदर आ सकता है? हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ। अरे मम्मी ना दीदी को मोड़ा ला दो। बेटी तुम कौन है? अंकल हम जेविन का दोस्त है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम जिमिया, जिमिया ओम्पो है। बेटी आप कैसी हो? जी आंटी ठीक है। हम क्या जेविंग से मिलने आई हैं? हाँ। ओह अच्छा अच्छा, जेविंग के साथ बैठिए, हम इसको अंदर रख के आती हूँ। जी आंटी। अब यहाँ बैठो। अरे कैसे, लेकिन कैसे आ गया?
हम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर हमको ऐसा होता तो आप भी आना था ना। लेकिन जेविंग, पापा को खराब लग रहा है कि हम आया बोल के। पापा गुस्सा नहीं है, उसका लुक ही ऐसा है। अरे अरे नहीं, आया। क्या कॉम्प्यूटर चल रहा है? रुक जा, हमेशा फोन 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 फोन। गुस्सा मत दिखाओ, हंस के जाओ, हंस के जाओ। दिखाओ अय्या, ये तो बहुत खराब से लगा है। किस इंसान है ये लोग? हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरा कारण से हो रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरे कारण से नहीं हुआ ना, ना तो मैं सोचो। हाँ ठीक है, तेरे कारण से नहीं हुआ। हाँ तो सर रुको। हाँ मम्मी, क्या कर रहा आप? ठीक है अच्छा चांस मिला है मम्मी से बात करने के लिए। ठीक है। आंटी। हाँ आंटी, हम आपका हेल्प करने आया था। हो जाएगा बेटी, हम खुद बना लेंगे। नहीं आंटी, आप बैठिए ना, हम कर देगा आज। आप तो हमेशा करते हैं ना काम। आज आप लोग मेरा हाथ का चाय पी के देखिए ना। ठीक है तब तो, थैंक यू। क्या कहीं जा रहा है? लॉन्ग पे चेंज करने गया था, कहीं नहीं जाएगा। अंकल लाओ विद्दी, चाय इधर दो। चाय ले लो ना पापा, चाय ले लो। थोड़ा सा मिल गया यार। इतना गुस्सा मत कीजिए ना, इतना अच्छा है बेटी जो चाय भी बनाया हम लोग के लिए। अब इतना गुस्सा करने से अच्छा नहीं है, बेटा भी अभी बीमार है, उसका सेहत के लिए भी ये अच्छा नहीं है। अभी आएगा रे? आ जाओ, आपका तो घर है। बेचारा फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम इतना काम करा दिया ना। नहीं हमको अच्छा लगता है काम करने। और जिमिया, पापा का मन मत करो हा? वो आज थोड़ा सा चिंता है, इसलिए ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है। पर थोड़ा दर्द तो लग रहा है। लग रहा है? है कुछ नहीं, कंफर्टेबल रहो। जिमी हमको जाना पड़ेगा क्या? होगा तब तो। लेकिन तुम अपना ख्याल रखो दे, बैंडेज भी अच्छे से नहीं लगा दिया। पहुंचा क्या इसको? होगा अंकल आंटी, हम जाएगा। आप लोग अच्छे से बैठिए ना। होगा बेटी, अच्छा से जाओ। हाँ ठीक है आंटी। अमीना ओए चलो, दीदी को पहुंचा क्या आएगा। ठीक है बहन, अब अच्छे से पढ़ाई करो, हम जाएगा। हाँ ठीक है दी, घर पहुंच के कॉल करो। होगा होगा तो अच्छे से जाओ। ठीक है तो हम जा रहे हैं। बाय बाय। हाँ बाय बाय। किसका चॉइस है? मेरा चॉइस है। चलो तुम हम लोग का साथ देगा तो ईद उल का लोग को हम लोग बजा देगा। अरे बदला तो लेना पड़ेगा ना। क्या चीज का बदला? बदला वाला कुछ बात ही नहीं है, बेकार में आके मूड खराब रहता है। आजा जेबिंग। ए जेबिंग, क्या हो गया? तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हम लोग को नहीं, तुमको होना चाहिए। तुमको ईद उलर को नहीं मारा तो उन लोग को भी तो मारना पड़ेगा ना। सुनो, मानते वो लोग हमको मारा है ना, तुम लोग जाके वो लोग को मारेगा, फिर बोलो तुम लोग को मारेगा। तुम लोग का ये मारा मारी और बदमाशी के चक्कर में दोनों कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या तुम लोग को ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अरे हम लोग बदमाश लड़के हैं, हम लोग को अच्छा लगेगा। तुमको डर लग रहा है क्या? हाँ यही तो है ईदू और आदि को झगड़ा लगाने का समय। अगर तुमको डर लग रहा है तो हम लोग पे छोड़ दो, कल से हम अपना काम शुरू करेंगे। और ये काम मुश्किल भी नहीं है क्योंकि हम लोग यही बैठे बैठे काम कर लेगा। उन लोग का रास्ता ब्लॉक कर देगा, रोशन पानी बंद कर देगा, इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? बस तुम हम लोग का साथ दो। देखो तुम क्यों इतना डरता है? बात करना बेकार है तुम लोगों।
ए जेविंग सुनो, छोड़ो। ए जेविंग हट। ए जेविंग थोड़ा रुको ना, हम लोग तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। साला हिजरा डरपोक। ओ सर तो चल जाएगा, दर पीगा ओरिजिनल पेरिस के साथ। जेविंग, अभी से तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। अगर मिलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन रहा है ना? बोलो, मिलोगे या नहीं? चुप क्यों है? बताओ, जल्दी बताओ, तुम उससे मिलोगे या नहीं? अच्छा, क्या बात है? काम की बात बात में करेंगे। क्या आप लोग चाय कुछ लेंगे? नहीं, हम लोग चाय नहीं पीते, पिलाना है तो दारू पिलाओ। तब ठीक है। कंचा, पानी को डालो। कुत्ता डालेगा? जीमिया नाम की एक इड्डू लड़की है, इसे तुम लोगों को कुछ करना होगा। उससे क्या करना होगा? उससे तुम लोग जो भी करो, मारो पीटो कुछ भी करो। लेकिन क्यों? आम खाने से तुम लोग मतलब रखो, पैर गिनने का कोई जरूरत नहीं। आप हम लोग का ऊपर गुस्सा है क्या? नहीं, आप लोग पर मेरा कोई गुस्सा नहीं, उस इड्डू लड़की पर मेरा गुस्सा है। अरे उससे हमको क्या मिलेगा? तुम लोगों को पैसा देगा। अच्छा, कितना देगा? अभी तुम्हें 10,000 दूंगा, काम होने के बाद और 10,000 दूंगा। नहीं, 25 दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, सौदा पक्का। वाओ, क्या माल है भैया। इधरी जाने का रास्ता कहाँ है? ये रोड से जाके राइट हैंड साइड मिलेगा। थैंक यू। अरे जिमिया है क्या? कौन जिमिया? जिसके लिए हम लोग को पैसा दिया गया था। फोन निकालो, फोन फोन। देखो ना वही है ना, वही तो है, वही तो है। हाँ चल चल। रुको रुको, मुझे तुम चाहिए। आइटम से चकास है। वाओ वाओ, अरे साला तप्पर मत है। साला तप्पर मत है, तप्पर मत है। आ चुप चुप चुप। ए चुप, उधर जंगल में, जंगल में। हाँ, उस तरफ उस तरफ। तुमको चढ़ने के लिए नहीं पकड़ा। चुप रहो, चुप चुप। अरे चुप, अरे चुप, अरे चुप बोला है ना, चुप। आप पकड़ रहे, पकड़ रहे। तुम बहुत जल्दी करो। उठो बहन, उठो, मत रो, पहुंचेगा, मत रो। हो जाएगा बहन, मत रो, हिम्मत रखो। यीशु अल्लाह, इधर कहाँ से आ गया? तुम इधर खड़ा रहो, मैं इन लोगों को ठीक करता हूँ। तुम क्या बोल रहे हैं? ये ले, लड़की चलेगा, ये ले, लड़की चलेगा, हाँ।
मांग रहा है, क्या मांग रहा है? थैंक यू। हो जाएगा बहन, हो जाएगा। मैं इन तीनों को अच्छे तरह से जानता हूँ। ये लड़का लोग ही हम लोग आदि को बदनाम करते हैं। इन जैसे लड़कों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसना चाहिए। होगा, छोड़े इन बातों को। आप कौन है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिमी उम्पो है। ओ उम्पो है ना, आप इदू है ना? ओ बहन, तब तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस घटना को आपको पेरेंट्स को बताना ना बताना वो आपका ऊपर में है। मुझे भी मालूम है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को इस ढंग से बताएं कि ये कोई कम्युनल इशू ना बन जाए। नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं भी समझती हूँ, अगर आदि कम्युनिटी में उन जैसा शैतान है तो आप जैसा भगवान भी तो है। हमको पता है 99% आदि अच्छा है। बहन आप बहुत समझदार है, आपका बात सुन के बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आपको कहाँ जाना है? इथिली में आंटी का घर जा रहा था, पर अभी नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको पहुँचा देता हूँ। भैया मेरा स्कूटी है। चलिए मैं स्कूटी तक पहुँचा देता हूँ। अरे भैया, अब तो अपना नाम बताया नहीं। मेरा नाम मिडोंग है, मिडोंग के नहीं। ओह, लेकिन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज नहीं होते तो क्या क्या हो जाता? ऐसा कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। थैंक यू भैया। इट्स ओके, अच्छा जाओ। हाँ ठीक है। क्या हो गया, क्यों अभी तक नहीं आया हो? हाँ सस, कभी बहुत देर हो गया। रुको मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। अभी तक कहाँ पहुँचा है? ओ ओ ओ, तो थोड़ा जल्दी आ जाइए। क्यों क्यों नहीं बताया हमको? तो नया बताया ना। हम क्या करेगा नहीं करेगा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी तो एक बार बताने चाहिए ना। तो वो कुछ हो जाने से क्या होना था? लेकिन कौन था वो लोग? हम तो नहीं पहचाने उन लोगों को। वो तीन लड़का था। जान गया हम, वो तीन लड़का ना छोड़ेगा नहीं वो लोग को। नहीं नहीं जीविंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा। कैसे कुछ नहीं करेगा? करेगा हम, कैसे तुमको बोलो छोड़ सकता है? नहीं जीविंग, तुम ऐसा कुछ मत करो। ऐसा क्यों? लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई और इंसिडेंट हो। वैसे भी मेरे वजह से तुमको कितना प्रॉब्लम हुआ। तभी ये चीज मजा नहीं आ रहा। अगर तुमको जो कोई भी छोएगा हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। अगर तुमको कोई भी दुख देगा ना छोड़ेंगे ना साला लोग को। नहीं जीविंग, वैसे भी जीविंग हमको आदि लड़का ने तो बचाया। आदि लड़का? कौन आदि लड़का? वो अपना नाम मिडोंग बता रहा था। होगा मिडोंग हम बाद में बात करेगा, लेकिन वो लोग को छोड़ेगा नहीं हम, कसम से बोल रहा। अभी हम बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। प्लीज जेविंग, तुम क्यों से बोलते हैं, समझ बोलो ना। प्लीज जेविंग, प्लीज जेविंग, तुम ऐसा नहीं करेगा। प्लीज जेविंग, तुम मेरी बात मानो ना। ए, देखो उधर सुंदर लड़के, वो पिंग वाला मेरा है। कैसा तेरा हो सकता है? पिंग वाला मेरा है। वो मेरा है, तुम दूसरा को लो ना। हट, वो वाला तेरा है। अरे तुम ऐसा मत बोलो। साला पिंग वाला बोलते, दोनों मेरा है। तुमको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा भी हैंडसम नहीं है ना। उसको मिलने के लिए हैंडसम होना पड़ेगा। अभी साला हैंडसम नहीं बोलते, लड़की बताने के लिए हैंडसम की नहीं कॉन्फिडेंट की जरूरत होती है। हेलो, तुम दोनों में से कौन मेरा गर्लफ्रेंड बनेगा या दोनों बनेगा? दोनों को रखने की कैपेसिटी मेरे पास। पागल है क्या? यस यस यस, मैं पागल। कहाँ गया हो हम लोग का बॉस भी? जहाँ लड़की देखते है उसके पीछे पीछे चल जाता है। खुद को वो हैंडसम समझता है ना। दो सारा सदा बनाते रहे, वहां पिसाब करके आएगा। इतना डेरी लगता है क्या पिसाब करने में? जल्दी आ जाओ। हट, अरे
समझू। चलो मना क्या था ना, नहीं सुनना ना मेरा बात। जी मैं सुनो जी मैं सुनो ना जी मैं प्लीज सुनो ना जो भी छोड़ो अपनी सुनने जी मैं प्लीज सुनो ना। सॉरी जेविंग प्लीज सॉरी, ये क्या कर दिया हम, सॉरी। चलो गलती से हो गया, प्लीज माफ कर दो ना। सुनो ना प्लीज सुनो ना। हो गया जेविंग।
कौन तो कल का मरने वाला समझ में नहीं आ रहा है। इन दो कल हमको मरने वाला कौन था होगा ना? सलाम को मालूम होने से इसे बेतना था क्या? साला खराब से डुलाई दिया रे। तीन वो आपका सेहरा पहले से बर्बाद था, अभी कतर छोड़ो, कोई फायदा नहीं। अरे आप दोनों का चेहरा क्यों फूल गया? क्या हो गया आप दोनों को? कल तक तो ठीक था। बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। नहीं, ये तो एक्सीडेंट का निशान जैसा नहीं लग रहा है। कोई मरे क्या आप दोनों को? नहीं नहीं, लोगों कौन मरेगा? ओ तब तो ठीक है, शायद हमको गलत फहमी हुई। ओके ठीक है, बाय बाय। आज तो एकदम हैंडसम लग रहा है। आई लव यू। लेकिन हम लोग को कल मरने वाला कौन था? वो हेलो, हाँ ये तुम सुनो है खबर? कल में तीन लड़का लड़की छरा बोल के तिकसे मर खाया बोला, नहीं सुना है क्या? अरे ये बात तो बहुत फेमस हो रहा है अभी। लेकिन वो तीन लड़का तो बहुत हैंडसम था सुना है। वहां में इतु तो खुद को बहुत खुशी से मैं पागल बोल रहा था बोला। अच्छा जी, मैं अच्छा प्रेमर से मिलो ना हमको। असली का? अरे वाह, तब तो आएगा रे हम। यस यस यस, मैं पागल मैं पागल मैं पागल। हम लोग को मरने वाला जेल में तक है क्या? वो हम लोग को मार सके? वो तो इजी रहे ना, क्या मार सकेगा? सच्ची आ सकेगा? कैसे नहीं आ सकेगा, हम आराम से आ सकेगा। हिम्मत है, पूछ तो है क्या? सोच लो, लेकिन पापा घर में हैं। अरे तेरे पापा एक बार हमको देखेगा ना, वो खुद ब खुद वेलकम करेगा हमको, तुम चिंता मत करो। चलो देख लेते हैं। असली का देखो, वो हमको देखते मतलब पसंद हो जाएगा वो, कसम से। देख लो, तुम एक बार देख लो। हाँ देख लो, हम आ रहे हैं अभी। होगा ठीक है। तुम यहाँ क्यों आया है? किसको मिलने के लिए आया है? जी मैं को मिलने आया था। तुम्हारा कैसे हिम्मत हुआ है उसको मिलने के लिए आता है? बाबा थोड़ा सा उसको एक बार मिलेगा सोच रहा था। तुम क्यों मिलेगा उसको? तुम अभी चला जाओ और यहाँ दोबारा कभी मत आना। तुम क्यों निकला है? अंदर जाओ साला, तुम नहीं मानेगा, निकलो अभी का अभी, निकलो निकलो निकलो, गेट आउट, यहाँ दोबारा मत आना। क्या हो गया नबा? देखो तो ये लड़का को मानता ही नहीं। बेटा तुम चला जाओ अभी, तो नहीं गया क्या? नबा निकल जाओ, जाओ। ए नबा हो गया तो चलो चलो, ये लास्ट वार्निंग है। नहीं नहीं बाय बाय, फोन करेगा होगा। Thank you.
चलो 10,000 मांगा, दारू पीने पड़ेगा। हाँ ठीक है चलो। मैं तो सर आप हम लोग को 10,000 आज देना पड़ेगा। ए, तुम जबिंग है ना? हाँ वही है। ए, जबिंग रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग से मतलब? ए, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हम घूम रहे हैं यहाँ में, जहाँ भी जाएगा मेरा मर्जी। क्यों हो गया तुम लोग? उस दिन का मार कम पड़ गया ना तेरे को। तुम तीनों तो दाना उनको मारने वाला। अच्छा इतना देर से तुम लोग को मिलने का दिल था रे, हाथ तो मिलाना पड़ेगा यार। तुम लोग को लगता है एक बार हम गलती से मार खाया तो बार बार मार खाते रहेगा बोल के उल्टा तो लूंगा मस्त कर रहा हमसे। कभी दिन कहीं भी अगर मौका मिल जाएगा ना तुम लोग को, हम पिटेगा। क्या लड़ेगा? लड़ेगा लड़ेगा। छोड़ दो, चलो जाएगा अकेला। होने से क्या डरता है क्या साला? ये क्या हो गया? ए, पेट्रोल दो। ए, यहाँ में उड़ाओ। पहले यार डालो। ए, पहले यहाँ में डालो। अरे तुमने सुन रहा क्या? पहले इधर लगाओ। तुम क्या कर रहा है? चोरो चोरो। क्यों चोरेगा? ए, तुम क्या कर रहा है? ए, चुप। मेरा यहाँ पहले डाल। क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है? तुम चोरो तो। अरे हम पर हाथ उठाता है। ए, रुको रुको। हेलो पुलिस स्टेशन। चल चल आजा मेरा बसेरा में। हाँ यहाँ कहीं भी बैठ जाओ, वहाँ भी बैठ जाओ। घर में जगह नहीं है इसलिए बाहर बैठा रहा हूँ। कहाँ मिलेगा? हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। हम सबको कल बाजार में जमा होना है और जिंदा आदमी लड़का दिखेगा सबको दुलाई मारना है। वो तो करेगा ही, लेकिन दारू सारू तो पिलाओ। हाँ दारू पिलाओ। हाँ पिलाओ। दारू खरीदने कौन जाएगा? दो हम जाएगा। ठीक है लो। क्या दारू लेगा? ये सबसे कमती दाम वाला लेगा ना, हमसे मिलके पिएगा ना। ये लो। अरे ये तो बहुत भरे वाला दारू लेके आया है। चलो घुमा, पानी और ग्लास लेके आओ। अरे पानी तो मिल जाएगा लेकिन ग्लास सिर्फ एक ही है। तो हम सब किसे पिएगा एक ग्लास में? डिस्पोजल ग्लास लेके आ जाओ। कहाँ से लेके आएगा? पैसे तो खत्म हो गया। रुको, हम बिना पैसे में ग्लास लेके आएगा। ये लो। अरे बिना पैसे का तुम कैसे गिलास लेके आ गया?
दुकानदार को एक बार ऐसा दिखाया, पांच तो मांगा तो दस तो दे दिया। क्या बात है। घुमा पानी लेके आओ। ये लो। चलो पैक बना के सबको बांटो। कल हम सबको जमा होना है और अति लड़का दिखा देगा तो उसको दुले मरना है। कल जो नहीं आएगा वो हमसे मर खाएगा। तुमसे हम क्यों मर खाएगा? अरे तुम क्या बात दिखा रहा है? क्या बात कर रहा है? आपस में लड़ते हैं। मुझे छोड़ो छोड़ो। तुम भी क्या कर सकता है? तुम भी देखते हैं कर सकेगा। एक पांच में तारुस बन जाएगा। साला रसपाल यादव जैसा दिखते हैं और अमिताभ बच्चन जैसा बात करते हैं। सुना है कल पेट्रोल पंप में तुम लोग को इधर लोग पिक्चर धुलाई दिए। पुलिस नहीं आने से हम लोग ही उनको खत्म कर देना था। साला जो भी बोलो लेकिन वो लोग को नहीं छोड़ना है। उन लोग को तो नहीं छोड़ना है। हम लेकिन उन लोग का नाम पता कर लिया। एक जुना और दूसरा का विनोद और तीसरा का भूमे। लेकिन वो लोग कहाँ मिलेगा? उन लोग का मिलने का दरकार नहीं। अभी से जितना यहाँ में इधर मिलेगा सबको धुलाई दे देगा। हाँ ठीक बोला रे, ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोग। लेकिन तुम लोग क्यों कल झगड़ा किया था? अरे कल पेट्रोल पंप पे हम लोग को तोका है ना वो लोग। अरे वो सब छोड़ो ना, अभी से जब भी इधर मिलेगा ना सबको तोकेगा। ए भाई रुको, तुम मती लड़के है क्या? नहीं। झूठ मत बोलो, सच बोलो। ये आदि नहीं है, जाने दो इसको। जाओ गो गो, तुम जाओ। ए, तुम क्या आदमी है? आदि लड़का है हम। आदि लड़का? अरे तुम आदि लड़का है? छोड़ना नहीं इसको। तुम तो आज नहीं बचेगा। अरे अरे कहाँ भाग रहा है ये? साला तुम कहाँ भागेगा? रुको रुको रुको, पकड़ो 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 उसको। साला तुमको आज छोड़ेगा नहीं। अरे किस तरफ गया, किस तरफ गया? चलो उस तरफ ढूंढते। साला तुमको आज छोड़ेगा नहीं। क्या हो गया? तुम क्या बोल रहे? हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तुम चले दूलर के ना। अरे अरे समझ करो ना प्लीज, समझ करो प्लीज। चलो चलो चलो। अरे अरे खत, ऐसे क्यों कर रहा है? एक्सेप्ट पकड़ो। एट क्या देखते हैं मारा? छोड़ दो। दो लड़का हो गया, ऐसे घूमते रहेगा ना, ऐसे मार करते रहेगा। सुन रहे ना? चलो यहाँ से एक मछली ले लो। अरे भैया ऐसा मत कीजिए ना। ए, 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 चुप साला, ताऊ दिखाते हैं। ए, इस तरफ देखो, आदि और लोग बाजार कर रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है? ओए ये किसका है? हम लोग का है। आदि और लोग यहाँ बाजार करता है। हाँ होगा भाई, लोग ऐसा मत करो, हम लोग चला जाएगा। अभी निकल जाओ, निकल जाओ, अभी निकल जाओ। साला यहाँ बाजार करता है, बाजार करने का। किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सुना है ना? अभी से यहाँ आदि लोग को बजर करने नहीं देगा और जितना आदि लड़का मिलेगा सब मिलकर मारेगा। चलो इस तरफ जाएगा। चलो रुको। हाँ तुम क्या आदमी है? जी मैं आदि आदमी। अरे तुम आदि आदमी है ना, यहाँ में क्यों तुम लोग रात रात को घूमते रहते हैं? क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत करो। ए, सुनो सुनो सुनो, अब तो तुम लोग का पिताजी का उम्र का है। पिताजी का उम्र होने से क्या होगा? तुम है तो आदि। अरे डायलेक्ट मरते हैं, डायलेक्ट मरते हैं। अरे मेरो, अरे मेरो, अरे मेरो, क्यों कर रहे हैं? अरसन थोड़ा मेरा फोन लेके आओ तो। हेलो। हाँ हेलो, इधर आदि में प्रेशर ले रहे हो गया क्या? हाँ तुम लोग होशियार रहो दे। हो आसी हो गया, सिचुएशन अभी बहुत खराब है, इसलिए तुम लोग होशियार रहना। हाँ एकदम से होशियार रहो दे। होगा 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 होगा, क्या करो दे। हाँ होगा। अच्छा हम
दामन सर को भी पूछ के देखता है। हाँ हाँ, तुम लोग मिलके कुछ उपाय करो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे सर, सर ओए, अरे उठो ना, क्या हो गया? सर हम लोग का इधर आदमी लोग आधी आदमी को मारने के जमा हो रहे हैं। क्यों? हमको मालूम नहीं है सर, लेकिन हम बस आपको कवर देते हैं। होगा, उठो ना, थैंक यू। होगा सर, हम जाएगा। होगा होगा, तुम जाओ। हेलो। अच्छा बीजू, तुम कुछ सुना है? किस बारे में? इडो और आदि में फिर से जागरा हो गया बोल रहा है। अरे ऐसा कब हुआ है? अभी अभी तो मेरा पेरेंट्स हमको कवर किया है, और उजुना नाम का एक इडो लड़का भी हमको अभी आपके बताया कि वहाँ में आदि आदमी लोग को मारने के लिए इडो आदमी लोग जमा हो रहा है। अरे वो तो बहुत बुरा खबर है, तो क्या करना पड़ेगा आप बताइए तो। होगा, तुम तैयार रहो, हम लोग भी तैयार हो के आ रहे हैं आपके पास, क्या करना है वही में बात करता है। ओके ओके, आप जल्दी आ जाइए तब तो। हाँ हाँ, क्या हो गया? अच्छा फिर से ईदो और आदि में झगड़ा हो गया बोलता है। अरे ऐसा क्या? हाँ हाँ, आप जल्दी सामान पैक करो, वो तायंग सर भी आ रहा है, हमको कहीं जाना है, कहीं छुपना है। बच्चा कहाँ है? बच्चा बाहर खेल रहा होगा। अच्छा अच्छा, उसको मैं लेने जाता हूँ। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ होगा होगा। उन्यूं उन्यूं उन्यूं, कहाँ चला गया? इडोरा में फिर से झगड़ा हो गया बोल रहा है। जा जल्दी करो, मैं आरसा को लेने जाता हूँ। मम्मी इतना देर क्यों कर रहे हैं? पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग को कहीं जाना है बेटी। क्यों? हम लोग को इदो अंकल लोग मारने आ रहे हैं बेटी। क्यों मारने आ रहा है? उसको हमने मारा है ना, वो हमको क्यों मारेगा? अरे मम्मी क्या कर रहा है, जल्दी आओ। हाँ चल। चल बताओ क्या करना पड़ेगा। पता नहीं अभी तो क्या करना पड़ेगा। तो क्या पुलिस आपका वहां में चले? उस दिन में वो सिक्योरिटी देने का बात कर रहा था। ऐसा समय में तो उसका पास जाना भी ठीक नहीं, आखिर वो भी तो एक इदू है। हाँ ये बात तो है, तो फिर क्या करेगा? तो ऐसा करते हम लोग जंगल जंगल भाग जाते। चल मम्मी। हाँ होगा तब तो, चल चल चल। इस तरह के हालतों के चलते गलत फहमियाँ इतनी बढ़ जाती है कि बरसों पुराना ईदू और आदि के संबंध और भरोसा पल भर में ही बिगड़ जाते हैं, और न चाहते हुए भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते। अरे भाई ये घर का आदमी कहाँ गया? यहाँ से वो लोग इमरजेंसी में चला गया। थैंक्स सर। होय अंकल, हमको मत मारो, हम आदि होने से भी बहुत अच्छा वाला आदि है। अरे बेटी आपको हम क्यों मारेगा बेटी, हम नहीं मारेगा ना बेटी आपको, आप मेरा बेटी है ना। दमन सर आप इतना छोटा बच्चा लेके जंगल जंगल क्यों घूम रहे हैं? फूलो सर, कम्युनल टेंशन हो गया बोल के ऐसा सुना था, इसलिए हम लोग डर गया था। हमको ऐसे डाउट था इसलिए हम पीछे पीछे आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना सर। मेरा एक स्टूडेंट है ना वो जो ना, वही तो मेरा क्वार्टर में आके बोला कि तुम लोग को मारने के लिए इडो आदमी लोग जमा हो रहा है, इसलिए हम लोग डर गया। नहीं हम लोग गांव में कोई मरा है ना, इसलिए आदमी वहां जमा हो रहा था। ऐसा प्रॉब्लम होने से मेरा घर में आने के लिए हम बोला था, आप लोग क्यों नहीं आए? बोलो सर, हम लोग आपको भी डाउट कर लिया था। आप लोग का जैसा एजुकेटेड आदमी ऐसा सोचने से तो अनपढ़ गाँव वाले लोग क्या सोचेगा? बोलो सर, ऐसा सिचुएशन में एजुकेशन कोई काम नहीं करता है, सिर्फ डर हावी रहता है, इसलिए हम लोग भाग गया था। चलिए मेरे घर चलिए, चलिए चलिए। होगा थैंक सर, चलो चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। मेरा घर में कोई आप लोगों को मारने के लिए आएगा तो हम है ना, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन दोनों समाजों के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जात पात से पहले इंसानियत को महत्व देते हैं।
और इस तरह ईदो और आदि समाज के बिगड़े हुए लड़के एक दूसरे से फोन पर बात करके लड़ाई करने का जगह तय करते हैं। चलो चलो जाएगा, आओ जल्दी निकलते हैं। लड़का तो बहुत कम लग रहा, बाकी लोग कहाँ गया? वहाँ दुकान में होता होगा, रुको हम फोन करते हैं। हेलो, तुम लोग कहाँ में? हाँ वो लोग फैमिली रेस्टोरेंट में बोला है। साला आज तो आदि का खून बहेगा। बातें बाद में, चलो अभी लड़ने चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो, एक एक को नहीं छोड़ना है। हाँ चलो चलो चलो। तुम लोग क्यों देरी करते हैं? इधर लोग से डरता है ये तुम लोग? हम क्यों डरेगा, लड़ने के लिए तो आया है। होगा तब तो जाओ, लड़का लोग वहां में। ओके बॉस। अरे हम लोग का बॉस कहाँ गया रे? आज इदिलो को पानी पिला पिला के तिक से पिटेगा। साला एक को नहीं छोड़ना है। लेकिन हम लोग का बॉस कहाँ गया? इतना कम आदमी, लड़का लुका है? बाकी लड़का हुआ है, क्या कर रहा था अभी तक? तब तो चलो, या मैं क्या कर रहा है हम लोग? चलो हाँ चल चलो चलो। हाँ चलो। ये बहुत गलत हो रहा है रे। हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? शायद इदुलुक से लड़ाई करने जा रहे हैं। सुधरेगा नहीं यार, कम्युनल झगड़ा जो दुनिया का सबसे बेकार चीज है। हाँ ये सब चीज कैसे इन लोग का दिमाग में आता भी होगा। हेलो। हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन। ये झगड़ा अभी से रोकना नहीं चाहिए। हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। और तुम लोगों को जितना भी पैसा चाहिए और जितना भी दारू चाहिए मैं खिलाता हूँ पिलाता हूँ, तुम लोग झगड़ा को आगे बढ़ाओ। हाँ होगा। दारू तो हमको और भी चाहिए, दारू है तो और भी दे दो। अरे ले लो ना। आपका काम तो सर हम लोग करते ही रहते हैं, अभी भी कर देगा सर। हम लोग को लेकिन पैसा चाहिए। अरे पैसा का चिंता मत करो ना तुम लोग, ये लो 20,000। वाह वाह, पुलिस ने आने से आज आज आधे लड़का को खत्म कर देना था। पुलिस आके हमको बर्बाद कर देना, खत्म कर देता। चलो हम लोग जाएगा। चलो 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 चलो। दारू खत्म नहीं हुआ, दारू खत्म करो। नहीं सर, हम लोग नशा ज्यादा हो गया और नहीं सकेगा। लेकिन ये दारू तो ले जाएगा सर। हाँ ठीक है ठीक है, दारू ले जाओ। दारू ले जा रहे तो पैसा भी ले जाएगा। हाँ हाँ ले जाओ, दारू के साथ पैसा भी फ्री। वाह वाह, एक एक आदि लड़का को मिल के ठीक से धुलाई कर दो। अरे सर चिंता क्यों करते हैं, आपका काम हो जाएगा। दारू मिला तो खुश हो जाएगा। आज मैं होता ना, इदू लड़का को ठीक से बजा देना था। तुम लोग क्यों भाग गया?
साला बीस में आ गया ना पुलिस लोग, साला कुत्ता लोग। लड़का लोग सुने, ये दो लड़का देखेगा दुलाई देना है ठीक से, सुने सुने ना बच्चा लोग, कल से जो भी ईदू मिलेगा उसको तबका देना है। एक भी ईदू नहीं बचता है, सबको तबका देना है। अरे भैया ठीक है ना, तुम लोग बहुत अच्छा काम किया है, इसे जारी रखो। अगर आज पुलिस बीस में नहीं आता ना भैया, हम ठीक से बजा देना था ईडू लड़का लोग को। ठीक है लड़ाई जारी रखो। अरे ये लो 20,000, मस्त मस्ती करो, चलता हूँ। होगा भैया, लो एक केस और लेके आओ। लड़ाई जारी रखने के लिए ये भैया हम लोग को पैसा देके गए हैं, इसलिए हम लोग ये लड़ाई जारी रखेगा। हाँ वैसे भी उन लोग का दादागिरी ओवर हो गया, इसलिए हम लोग को भी अभी से चुपचाप नहीं बैठना है। अच्छा भाई साहब, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। हम सभी को यहाँ में मिलजुल के रहना है, तो इस तरह लड़ना अच्छा बात है क्या? देखिए मैं इधर जगह में बहुत साल रहा, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, उल्टा उन्होंने हमारे मुश्किल समय में हमें बचाया है, इसलिए भाई आप लोग। तुम क्या बोल रहे? गड़ जाओ नहीं तो तुम दुलाई गएगा। आपके पार पार की क्या देख रहा है? तुम घर चला जाओ। आदि कह गया, क्यों बोलता है? तुम आदि नहीं क्या? हम लोग को समझाने आता है सर, ऐसे ही लोग हम लोग आदि को यूनिटी नहीं होने देता है। वो सब सर चल मस्ती करेगा। ये सीरियस केस है, यहाँ में सुविधा नहीं है, इसको बाहर ले जाना पड़ेगा। सर अभी हम कैसे ले जाए इसको? पूरा कम्युनल के वजह से, आधी ईद जागरा के वजह से रास्ता भी ब्लॉक हो गया। ये प्रॉब्लम तो है लेकिन उपाय तो नहीं है, यहाँ से ले जाना पड़ेगा, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। सर तो क्या और कुछ उपाय नहीं होगा क्या? हम लोग का तरफ से जो भी करना है हम लोग कर लिया है, अभी तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, यहाँ से तो ले जाना ही पड़ेगा। ये सीरियस केस है इसलिए अभी ले जाने से ज़्यादा अच्छा है, यहाँ रखेगा तो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। हाँ सिंबो, मेरा एक रिलेटिव भैया लगता है बीमार है, वो मेडिकल में है, तो सीवियर इंजुरी है, तो डॉक्टर बोल रहा है उसको डिब्रूगढ़ ले जाओ बोल रहा है, लेकिन रास्ता ब्लॉक है। आदि दो कम्युनल झगड़ा हो के तो आप कुछ इंतजाम कर दीजिए। होगा, वो वहाँ से निकल जाइए, मैं यहाँ देख लूँगा, आप चिंता मत करो। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दीदी अभी हम आदि दोस्त से बात किया है, वो इंतजाम कर देगा बोला है, तो हम लोग निकलने से ठीक है। ओह थैंक यू बेटा, तब तो तुम लोग जल्दी सामान रेडी कर लो, हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा। भैया आप लोग ये सब जो भी कर रहे हैं ना, ये सब को छोड़ दो, ये सब से आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, इन सब से जो हम लोग का यूथ है उन लोग में खराब असर पड़ेगा। सब करके आप लोग अच्छा होगा मत सोचिए, आप लोग एक दूसरे का बीच झगड़ा लगा कर आप लोग को क्या मिलेगा? वाह क्या बोलने का अंदाज है, अभी मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज रोक दो इस लड़ाई को प्लीज। ये लड़ाई खत्म नहीं होगा जब तक आदि खत्म नहीं होगा। अरे आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसा करके आप लोग को क्या मिलेगा? तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना, तेरा बॉयफ्रेंड आदि है। मेरा कोई आदि बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि इस लड़ाई को रोक दो। तब तो तुम मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे जीमिया क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ना हम इन लोग को कब से समझा रहे, ये लड़ाई को रोक लो, पर इन लोग समझ रहे नहीं। देखो मेरा ये बहन जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, ये लड़ाई आदि भी जीत सकता है, ईदू भी जीत सकता है, लेकिन हार इंसानियत का होगा। ए, क्या बात कर रहा है, ईदू का नाम में तुम साला दब्बा है, साला इसको भी तकवा देगा क्या आदि के साथ? अरे भाई अब ऐसा बात क्यों कर रहा है, ऐसा बात क्यों नहीं करेगा? का बात नहीं मानने वाला, जो शांति नया जाएगा। कैसा लड़का लोगे, थोड़ा भी तमीज नहीं है। अरे रोको ना, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं बनेगा क्या? अरे छोड़ दो भैया, इन लोगों का बात मत सुनिए आप। कहाँ जा रहा है, थोड़ा रुको बात करेगा। अरे लाल वाली तुम रुक जाओ। ए, वो कौन है, आधे लड़का तो नहीं ना? ओए रुको, तुम आधे आदमी है ना? ए, तुम आधी लड़का है ना? अरे अरे छोड़ रहे हैं इसको। ओए क्या कर रहा है, छोड़ो। ए तुम बीच में मत आओ। अरे हम बीच में क्यों नहीं आएगा, तुम लोग इसको मारने कर रहा है। तुम ईदू हो के ईदू का साथ क्यों नहीं दे रहा है? ईदू आदि का बात नहीं है ना इसमें, ये लड़ाई ईदू आदि का बीच में नहीं हो रहा है, ये लड़ाई तुम लोग ही करा रहा है, तुम लोग ही करा रहा है, तुम लोग ही ईदू कम्युनिटी को बदनाम करा रहा है। इसमें कोई भी ईदू तुम लोग को साथ देने वाला नहीं है। तुम जरा बोलता है रे।
हाँ ये ज्यादा बोल रहा है तो ठीक करना पड़ेगा। ओए रुको, ये तुम क्या कर रहा है? रुको, अपना ताकत आदि को मारने के लिए बचाओ, ये लोगों को भी दिन देख लेगा। चलो जाएगा, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। बेकार में हम लोग का कम्युनिटी का बदनाम कर रहा है, बड़ा दुख की बात है। रुको रुको रुक, यहाँ पे एडवर्ड में है। अच्छा से ढूंढो, अच्छा से एडवर्ड में है। यहाँ पे एडवर्ड में लोग बाहर निकालो, सीट का नीचे में भी देखो तो। अगर यहाँ ही मिलेगा तो काट के रख देगा साला। इधर नहीं ना, पूरा बस में तो एक ही जुड़ होना चाहिए, हम लोग से डर गया होगा। हो जाएगा, निकल जाओ, हमें कोई इधर नहीं है। अच्छा से देखो, हाँ चलो। यहाँ कैसे इधर नहीं होगा साला, इधर हम लोग डरपोक है ना। जाओ, ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है। ट्रक में तुम नहीं मिलेगा, यूपी से करेगा ना। यमी इधर आदमी है क्या? हाँ यमी इधर आदमी है। नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। झूठ तो नहीं बोल रहा है, नहीं सांस में नहीं है। जाओ, रुको रुको रुक रुक रुक। ए तुम क्या आदमी है? जी हम आदि आदमी है। नाम क्या है? जी मेरा नाम नोंग जामो है। कहाँ से आए? पासीघाट से आए हैं। ये कौन है? इदू तो नहीं है ना? नहीं ये इदू नहीं है। होगा इसको जाने दो, झूठ नहीं बोल रहे ना। नहीं होगा तब तो निकल जा। जाओ चलो, जाओ जाओ जाओ। साला आज इदू क्यों नहीं मिल रहे थे? सब गाड़ी को चेक करो, जरूर मिलेगा। ए रुक 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 रुको रुको रुको। तुम क्या आदमी है? हम इदू है। क्या हो गया? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे लड़के को क्यों हाथ लगा रहा है? लड़के को हाथ क्यों लगा रहा है? चुप बोला है ना, चुप। आप लोग क्यों झुंड है? चुपचाप बोला है ना, तुम निकल जाओ। साला ये जेब कहाँ से आ गया? जाओ काट दो उसको, जेबिंग तुम काटम। जेबिंग आओ, आओ ना, क्यों रुक गया? आओ दो पे को सब लोग अभी, नहीं तो फेको, बोला ना नहीं तो इसको काट देगा। फेको, ठीक लाल वाला तू भी फेको। तुम लोग क्या देख रहे हैं? फेको, होगा भाई तुम लोग निकल जा। चलो चलो, जबिंग ये तुम ठीक नहीं कर रहे थे पीछे। हाँ चले, क्या ठीक नहीं? ठीक नहीं, अब भी तुम्हें ठीक करेगा। अभी कैसा लगा? ठीक लगा? चलो आ जाओ। देखा, हम जो भी मरते हैं एकदम पहुंच से मरते। क्या? नहीं नहीं, हमको बिलीव नहीं हो रहा, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। सुनो सुनो सुनो, पूरा पार्ट सुनो। और जो तुम गरीब को नहीं दिया था ना, हाँ वो मेरा पापा था। क्या ये क्या हो रहा है? उन लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? वही तो मालूम नहीं है क्या यार, अभी तो परेशान हो गया। वो लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? हम दोनों को वो लोग चाहता है कि शादी मत हो बोल के, हम दोनों को मत मिलो बोल के। और सुनो, और जो ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम दोनों का पापा वही दो मेन कल्प्रिट है। हमें नहीं नहीं, हमको बिलीव नहीं, मेरे पापा नहीं कर सकते। जो भी हो मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, हमको पापा पे इतना बिलीव है। तो हमको ट्रस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है तो ना।
हाँ सच में आपको बहुत दुख लगा, अभी भी लग रहा है। तुम मेरा साथ दो, हम दोनों को ये चीज दिखाना है कि दे आर रॉन्ग, इसलिए हम दोनों को हारने मानना है। तेरा नाबा और पापा को ये दिखाएगा कि वी आर राइट, समझ गया ना? हाँ। वो सब के लिए तेरा साथ चाहिए हमको। हम तो आपको बहुत अच्छा पापा समझा था, पर आप तो दुनिया का सबसे बुरा पापा है। क्या हो गया जिम्या, हम कौन सा गलती किया? आपके जेबिंग को मारने के लिए इधर बदमाश लड़का लोग को पैसा दिए। हम कहाँ पैसा दिया? पापा हमको सब पता चल गया, आप पैसा दिए, इसीलिए तो अभी इधर आदि का झगड़ा हो रहा है। बेटी हम तो ऐसा कुछ नहीं दिया। पापा आप जब हमको आदि लड़का के साथ शादी मत करो बोला था तो हम सोचा आप मेरा भलाई के लिए बोल रहे हैं, पर अभी हमको पता चल गया आप सिर्फ अपने लिए सोचते, आप वो सेल्फिश पापा है, आप जैसे लोगों के ही कारण से इधर आदि में झगड़ा हो रहा है। जिम्या बेटी ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, किसी ने आपका कान भर दिया होगा। पापा आप झूठ मत बोलिए, हमको सब पता चल गया, मेरा कान किसी ने नहीं भरा है। लेकिन जिम्या हम तो झगड़ा करने के लिए तो नहीं बोला था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही इंसिस्ट किए, हमको सब पता चल गया। दो कम्युनिटी का अच्छा रिलेशन को आप लोग ही बिगाड़ते हैं। हम तो आपसे बहुत प्यार करता था पापा, बट नाउ आई हेट यू पापा, आई हेट यू। सबसे पहले आप सभी को यहाँ आने के लिए शुक्रिया। इस तरह की समस्याओं को किस तरह सुलझाया जाए इस विषय में सलाह देने के लिए ही अब जैसे जिम्मेदार लोगों को बुलाए गए हैं, और आप सभी अपने अपने विचारों को सुनकर देखिए। और इस तरह दोनों समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने अपने अपने विचारों को प्रकट किए, और सभी का यही कहना है कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा और होनी नहीं चाहिए, और जो भी इस तरह के दंगा फसाद को बढ़ावा दे रहे हैं उसे कानून के हवाले किया जाना चाहिए। आप सभी की बातों को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हम सबको ऐसे विचार रखना चाहिए, आज या कोई ईद और आदि नहीं, आज हम सब है गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इस लड़ाई के पीछे कुछ बदमाश लड़कों की शरारत है, जिसने अपना फायदा के लिए इसको कम्युनल रंग दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने समुदाय के बदमाश लड़कों के खिलाफ FIR थाने जाके लिखवाएं, ताकि पूरे प्रदेश में ये संदेश जाए कि शैतानों की कोई जात या धर्म नहीं होती, शैतान बस शैतान होता है। क्या आप अपने अपने बदमाश लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज कर पाओगे? साहब जो भी इधर कम्युनिटी का बदमाश लड़का है उसके खिलाफ मैं FIR दर्ज करूंगा। हमारे आदि कम्युनिटी के बदमाश लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज मैं करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं उन बदमाश लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आप दोनों कम्युनिटी ऐसा ही पुलिस का साथ देते रहेगा तो आने वाले कल में कभी कम्युनल रिपोर्ट नहीं होगा। आज का मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं। भैया आपको हम जेविंग के बारे में बताया था ना, वो आज आपको मिलने मन है बोल रहे हैं। हाँ सुना था उसका बारे में, हमको भी मिलने मन है, कब आ रहा? वो जस्ट अभी निकल रहे बोल रहा था। ओ वो है क्या? हाँ वही वही है ना। आप सुको है ना? हाँ मैं आयान हूँ। ओ हाय, आप जेबिंग है तो ना? हाँ सुना था आपका बारे में, ठीक है। जी मैं भी आपका बारे बोलते रहता है। हाँ। कि आप उसको बहुत केयरिंग करता है। हाँ। वो कुछ भी प्रॉब्लम हो से अभी उसको सॉल्व करता है। आखिर अपना छोटी है। अच्छा सबको हम ये बोलने के लिए आया था कि ये जो भी हो रहा है ना एकदम गलत हो रहा है, इट्स टोटली बेसलेस। वो लोग अपने सेल्फिश मोटिव के लिए दोनों कम्युनिटी को पूरा बदनाम कर रहा है। ठीक बोला है। लेकिन अगर हम लोग मिलेगा ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से आ जाएगा। जेविंग तुम्हारा विचार अच्छा है, जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। और समझ में नहीं आता वो लोग बेकार में फाइट करके क्या मिलेगा। हाँ फाइट नहीं होने से अच्छा है। अरे वहाँ क्या हो रहा है? तुम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है क्या? भाई तुम क्या बात कर रहा है? ये लोग सुधरेंगे नहीं। तो थैंक्स सर, हम जेविंग बोल रहे हैं। अरे वहाँ में गोली भी है तो जेविंग चल जाके रुक जा, चल चल चल। ए तुम क्या कर रहे हैं? जिविंग जिविंग प्लीज फोन मत करो। रुको 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 पायलो, रुको फोन मत करो, फोन मत करो। सुनो 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 प्लीज मेरे को सुन लो। रुको क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम लोग बोल तुम क्या बोल रहे हो? ए क्या समझ रहा है? क्यों आता है जिविंग? जिविंग तुम वहीं रुको। अरे ये लड़की सुनो 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 पहले सुनो, देखो पहले क्या से समझ रहा है। तुम ये जो भी करो ना बिल्कुल गलत कर रहे हो। मार दे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो?
अरे पुलिस, अरे पुलिस, अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? अरे जिमिया, 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 पकड़ो पकड़ो, किसी को भी नहीं छोड़ना है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सबको पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, जिमिया जिमिंग, जिमिया संभालो, सबको गाड़ी में लेके आओ। साला गाड़ी में बैठो, बैठो बोला ना, चलो सबको चलो अंदर में। ओके भाई, चिंता मत करो, एम्बुलेंस आ रहा है, जस्ट रिलैक्स। जितना भी कल्प्रिट है हम पकड़ लेंगे, अरेस्ट वारंट आ चुका है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे जिम्या, तुम ठीक तो है ना? जेविंग, ये सब कैसे हुआ है? ये देखिए जिम्या का क्या हालत हो गया। कौन मारा इसको? और जबिन यहां में क्या करा था? आप मारा है इसको, आपका कारण ही तो हुआ है। जेविंग ने इसको बचाया, जेविंग ने उनसे तो कहा यह अभी मर जाना था, जेविंग ने लेके आया इसको हॉस्पिटल में। जो बेटा बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बोलने से सुनता ही नहीं है, इसलिए मेरा बेटी ऐसा हाल हो गया। अभी ये सब जो भी हुआ है ये अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा, आपका जितना भी इज्जत है सोसाइटी में वो आप पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो आयान, वो लोग कहाँ में जस पता कर दो तो जल्दी कवर करवा। होगा। मुझे मालूम था इदू लोग ऐसा करेगा, इसलिए तुमको बार बार समझा रहा था। तुम मेरा कहाँ सुना है? तुम कह रहे थे इदू अच्छा है, अभी देखो इसका फोन है। आए जमीन, कहाँ जाओगी तुम? आए कहाँ जा रहा है? देखो इस घर से एक कदम भी बाहर निकला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पापा क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है? ए, रुको जमीन, तुम कहाँ जा रहे? ऐसा मत करो ना पापा। रुक जेबी, प्लीज पापा प्लीज, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम्हें शूट कर दूंगा। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो पापा, प्लीज छोड़ दो। चलो कम ऑन, सुन मे मारो ना, अब क्यों मारेगा हमको? हमको कुर्को काटेगा। बोडोंग बोडोंग, ऐसा मत करो बोडोंग, ऐसा मत करो बोडोंग, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसको इसको अपने पिताजी बोलने के लिए भी शर्म लगता है, ऐसा पिताजी नहीं चाहिए हमको। जो अपने बेटे के लड़के को रेप करने के लिए भेजे, मुझे सब कुछ मालूम था, लेकिन आज बोडोंग पापा हम थक गया है, ये दुआएं थी नफरत से। हम बहुत प्यार करते हैं जीने से, पापा आपको जितना प्यार करता हम उसको भी इतना ही प्यार करता हम। अकेला हो गया लगता है पापा,
किसको क्या बोलेगा, क्या नहीं करेगा, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको कुछ हो जाएगा ना, मर जाएगा हम असली का पापा। बोडोंग, क्या लगता है आपको? आप सही कर रहा है, आप बिल्कुल गलत कर रहा है। आप जानता है वो हमारा एकलौटा बेटा है, अगर उसको कुछ हो गया ना तो आपको हम जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आज जेबिंग को मारने का अच्छा मौका था, तो फिर क्यों नहीं मरे? आज भी फिर पुलिस आ गया ना बीच में, लेकिन खुशी का बात यह है कि जेमिया को उसका कुट आदमी ने मारा। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। ले ताले, ले। ओए, तुम दोनों बैठो, तब तक मैं ये करके आता हूँ। ए, ज्यादा मत करो दे। अरे हम जहाँ भी पिशाब करेगा अपना मर्जी है, हम जहाँ जाता है वही पिशाब करेगा। ये चैन भी इमरजेंसी में नहीं खुलते थे। साला तुमको बोलूंगा से तेरा नाम स्टाइल में मरेगा। जबंग लेका, तुम चला, तुमको बहुत दिन से पीछे में हो रहा था। अल्लाह ही मारता है। ओए उतो, तुम भी उतो। साला दोनों काम का नहीं है, जीरा से मार खाता है। आठू इसको उतो। नहीं उठो। साला तुम इसमें क्यों आते हैं? बजाओ चुम्बो, पकड़ो ठीक से, पकड़ो, पकड़ रहे, मरो ठीक, और मारो ठीक से, बजाओ ठीक ठीक, और तुम अडियो के आदि के साथ क्यों नहीं देते साला तुम? अच्छा वो कि तेरा जमीन को ईदू नहीं मराया, तुम सुन रहे ना? नहीं तो हम होने से हम ही मार देना था। तुम क्या जमीन को कुछ करेगा? अगर भगवान भी आके कुछ करेगा ना, भगवान को भी नहीं छोड़ेगा हम। साला मौका था जेबिंग को खत्म करने का। साला पुलिस भी गलत समय में आता है ना। और वहां में कौन है? साला शिकार खुद यहाँ आ गया। जेबिंग आज तुम्हारा टीएन है, बजा दो। जमीन जगड़ कर रहे हैं।
अरे जिमिया कहाँ भाग रहा है? रुको जिमिया, अरे जिमिया रुको जिमिया, क्यों करते हो जिमिया? जिमिया रुको, फायर दिया हुआ है। कौन दिया है? वो लिंगी आदमी दिया होगा, वो बहुत गुस्सा कर रहा था हम लोग के ऊपर। उसको नहीं छेड़ना, उसको ठीक करना है। Sri Lanka.
निकाल कर चलो। झगड़े में हम क्यों अटके हैं झगड़े में, दुनिया पहुंच गई है चांद तारों में। गूंज उठी है प्यार की गीत इन बहारों में, नफरत के दुनिया से लौट के आना है। सुंदर घाटी है अपना लोअर दिबंगरी, साथ मिलकर बनाए रखना इसकी सुंदर माटी को। बहुत ही सुंदर घाटी है अपना लोअर दिबंगरी, साथ मिलकर बनाए रखना सुंदर माटी को। ये जिंदगी न जाने, ये जिंदगी न जाने कब कहां किस मंजिल पे रुक जाएगी। गूंज उठी है प्यार की गीत इन बहारों में, नफरत की दुनिया से लौट के आना है। प्यार की गीत इन बहारों में, नफरत की दुनिया से लौट के आना है। बंधन है दिलों का जन्मों का ये संगम, बंधन है दिलों का जन्मों का ये संगम। पूछो। हाँ पूछो। जेविंग तुम मेरे साथ खुश तो है ना? हाँ सच्ची। बाह इतना स्ट्रगल का बात तू कब आया? हम तुम अभी भी डाउट है क्या? नहीं लेकिन तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही मेरे साथ होगे ना? हाँ दूंगा ना सच्ची में। इतना सारा प्रॉब्लम्स भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाया, लेकिन जो भी हो आखिर प्यार का जीत हो ही गया ना। देखो हम बोला था ना प्यार का जीत होगा बोल के। हाँ और यही प्यार इदुआती को एक कर देगा, और इसी के कारण रोइंग को द वैली ऑफ लव कहा जाता है। साला ये सब तुम लोग को वजह से यहाँ। तुम साला क्या बोला है? अरे आज तुम लोग का वजह से जेल में है ना हम लोग। तुम लोग का वजह से हम लोग जेल में है? क्या बात कर रहा है? ए तुम ज्यादा मत बोलो तो। हम्म? अरे किसको आंख दिखा रहा है? हाथ लगा के देखो, छू के देखो, छू के। ए तुम जा रहे हो? अरे हाथ लगा के देखो, हाथ लगा के। तुम क्या कर रहे? ए तुम चुप। ए तुम ज्यादा बोल रहे हो, मत देखो। ए तुम ऐसा मत करो। तुम लोग का वजह से हम लोग जेल में है। तुम लोग का वजह से, तुम लोग का वजह से। ए तुम क्या कर रहे हो? आओ मत दिखाओ। ए तुम मत दिखाओ, आओ मत दिखाओ। भाई तुम लोग क्या कर रहे हैं? मार खाना है क्या? क्यों लग कर रहा है? मार खाना है क्या? हल्ला मत करो। क्यों लग रहा है? हल्ला मत करो। लीडर कौन है? हाँ बताओ लीडर कौन है? हाय कौन है लीडर बताओ? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, सबको मारो। सॉरी 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 सॉर
सर सलाम रिप्लाई है ना यहाँ अलाउ नहीं है मेरी पीने बहुत मन तर है मेरी मेरी चाहिए मेरे पास है हम छुपा के लगे दोना लेकिन माचिस नहीं है मेरे पास है दोना चल 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 आ जाओ आ जाओ माचिस का है मजा आ गया रे बहुत बढ़िया ओके दोस्त वाह हाथ आ गया हुई जेल से छूटने के बाद मेरा घर में आ क्यों नहीं साला मिलके मस्ती करते हैं अरे सी अरे अभी तो जेल में भी अच्छा लग रहा है हम लोग जेल से निकल के मस्ती कर रहे हैं मेरा ना एक अच्छा वाला नेपाली गर्लफ्रेंड है यहाँ जेल से निकल दे तुमको दिखा देगा हाँ वाह ये सुनना मन था ओए तुम लोग का बेल आउट हो गया अरे हम लोग कौन बेल आउट किया है ना पता ही नहीं तुम लोग को जेबिंग ने बेल आउट किया तुम लोग और ऐसा करेगा नहीं सर बिल्कुल नहीं करेगा बिल्कुल मत करना अच्छा से रहना सर मिलजुल के रहना ये सबसे बड़ा चीज होता है आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ गया तुम लोग कहाँ में रह रहा है थोड़ा तुम लोग सीखो ठीक है सर सोसाइटी में कैसे रहना है वो सीखो और गंडगोल मत करना ठीक है ठीक है सर और गंडगोल करेगा तो सुनूंगा नहीं